मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें मेरे भाई, ये मोबाइल फ़ोन जो था सेल फोन, ये एक ज़रूरत के लिए ईजाद हुआ था ताकि आप इसको ज़रूरतन इस्तेमाल करें। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मगरिब की नमाज में सलाम फेरा, सलाम फेरते ही एक साहब ने मोबाइल फ़ोन निकाला और निकालने के बाद उसमें वो अपने व्हाट्सअप वगैरह चेक करना शुरू हो गया। अभी इमाम दुआ भी नहीं मांग रहा और जो है वो नमाज से फारिग भी नहीं हुए और उन्होंने वो एक वीडियो निकाल के वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सअप पे दूसरी वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है, उस भाई को पड़ी नहीं अपना फ़ोन निकाल के। अब बताएं ये एडिक्शन है, ये जो सेल फोन है इस वक्त जो है ये एक नशे की कैफियत तारी कर चुका है लोगों के ऊपर। हर वक्त सेल फोन देख रहे होते हैं, बच्चों को बड़ों को आप देखें फौरन फ़ोन उठाएंगे, हर वक्त फ़ोन के साथ होंगे। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि भाई मक्का मदीना के अंदर तो इंसान को इबादत करनी चाहिए, मदीना मुनव्वरा में और मस्जिद नबवी में और ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा में हरम के अंदर तवाफ़ करते वक्त, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अकदस पे सलाम पेश करते वक्त और जन्नतुल बकी पे सलाम पेश करते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा इन चीज़ों से ये बेहरमती की बात है और ये तज़ीम के ख़िलाफ़ है, अदब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आप सब हज़रात को भी।